इंडिया का यहाँ पर ई स्पोर्ट का स्क्वाड जिन्होंने हाउस ऑफ ब्लड को दिया है चैलेंज। टीम के ऑस यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्कैरी वी बैच होल्डर यहाँ पर इस स्क्वाड की तरफ से देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान की टीम हाउस ऑफ ब्लड यहाँ पर क्या टक्कर दे पाएगी, ये राउंड काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर गाय एंड वेनम दोनों नीचे वाली साइड पर गिर चुके थे और मेरा ख्याल है काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि दो ही प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से रह चुके हैं जो कि डैनी एंड काय दिखाई देने वाले और सामने चार प्लेयर्स हैं। एक तो यहाँ पर शॉट काफी तगड़ा लगा है, बैक साइड से दो प्लेयर काय ने डाउन कर दिए, लास्ट प्लेयर यहाँ पर खत्म किया जाएगा और यहाँ पर पाकिस्तान के दो प्लेयर्स चार प्लेयर से बारी। टीम इंडिया से यहाँ पर जो कि कसान है यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्नाइपर का बहुत खतरनाक इस्तेमाल कर रहे हैं, 1v3 करते हुए दिखाई देने वाले, एक प्लेयर को डाउन करने में कामयाब हुए, यहाँ पर डबल स्नाइपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, सामने बढ़ते हुए दिखाई देने वाले शॉर्ट रेंज में यहाँ पर सामने काय और वेनम, लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन करने में कामयाब हुए, फिर से आए यहाँ पर शॉट लगाया काय को भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब गेमिंग चैनल एंड मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त छोटो गुरु। तो गाइस यहां पर हो चुका है मैच स्टार्ट जहां पर हाउस ऑफ ब्लड हमें दिखाई दे रही है इंडिया सर्वर में पहुंच चुकी थी और मुकाबला टीम क्योस के साथ है जो काफी ज्यादा इंडिया की स्पोर्ट टीम्स को जानते हैं, उनको पता होगा कि ये टीम कितनी तगड़ी खेलती है और यहां पर इंडिया में क्या क्या नाम कमा चुकी है। लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा ये हाउस ऑफ ब्लड के मुकाबले में आ चुकी है और हाउस ऑफ ब्लड क्या यहां पर इंडिया सर्वर में जाकर टीम क्योस को यहां पर टक्कर दे पाएगी। यहां पर एक प्लेयर को डाउन किया गया, काय काफी जबरदस्त खेलते हुए नजर आ रही है, दो प्लेयर्स को डाउन किया जाएगा और अपने प्लेयर को भी यहां पर हाउस ऑफ ब्लड के काय रिवाइव करते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर बात करते हैं डैनी की, तो यहां पर डैनी भी डैमेज देते हुए नजर आ रहे थे। यहां पर इंडिया की तरफ से टीम क्योस के अवनीत यहां पर रह चुके हैं और दूसरी जानी से स्कैरी भी हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी मुश्किल होने वाला है स्कैरी के लिए क्योंकि यहां पर सामने से प्लेयर आते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर होगुता ने स्कैरी को डाउन कर दिया है, अब बचे हैं सिर्फ लास्ट प्लेयर। तो काफी अच्छा स्टार्ट यहां पर पाकिस्तान टीम हाउस ऑफ ब्लड का होता हुआ दिखाई दे रहा है जो यहां पर मुकाबला कर रही है टीम क्योस के साथ। और टीम क्योस के यहां पर प्लेयर्स की बात करते हैं तो अवनीत यहां पर अकेले रह चुके हैं, एक प्लेयर को डाउन तो जरूर किया लेकिन यहां पर अवनीत को खत्म करने के बाद पाकिस्तान टीम हाउस ऑफ ब्लड यहां पर पहले राउंड की जीत हासिल करती हुई नजर आने वाली है। सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है और काफी अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिला है। तो स्कैरी यहां पर वी बैच होल्डर देखने को मिलते हैं और ये स्क्वाड काफी पहले टाइम में भी काफी ज्यादा फेमस देखने को मिला है और अभी भी यहां पर ये स्क्वाड की क्या ही कोऑर्डिनेशन देखने को मिलती है, लेकिन हाउस ऑफ ब्लड ने उनको टक्कर दी है, पहला राउंड उनसे जीत लिया है और अब यहां पर इस चीज को कितना कंटिन्यू किया जाएगा ये जरूर देखना पड़ेगा। डैनी बाहर निकल कर आते हुए नजर आ रही है, काफी अटैक जो है वो गेम प्ले की जाती है हाउस ऑफ ब्लड की तरफ से, उसी चीज को यहां पर कंटिन्यू किया जा रहा है। होगुता ने यहां पर एक प्लेयर को डाउन कर दिया, मेरा ख्याल है अब अटैक किया जाने वाले क्योंकि एक प्लेयर यहां पर टीम क्योस की जानिब से डाउन कर दिए गए हैं, दो प्लेयर्स को तीन प्लेयर्स को यहां पर डाउन कर दिया गया, अभी बचे हैं सिर्फ लास्ट प्लेयर और देखना पड़ेगा यहां पर वो लास्ट प्लेयर क्या कर पाएंगे। यहां पर अकेले बचे हैं और कसाना की बात करते हैं तो यहां पर जो है वो उनके पास स्नाइपर था, बहुत आसानी से यहाँ पर वेनम ने उनको किल किया और वेनम चार किल कर चुके हैं दो राउंड्स के बाद। यहाँ पर क्या जबरदस्त यहाँ पर टीम हाउस ऑफ ब्लड इंडिया सर्वर में जाकर टीम के और जैसी टीम को यहाँ पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है और डाउन किए जा रहे हैं, लेकिन होगुता यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, एलिमिनेट हो चुके हैं। आई थिंक उनको एक शॉट पड़ा था यहाँ पर एडब्ल्यूएम का, बैक साइड पर गया और जोन से यहाँ पर डाउन होते हुए नजर आए और यहाँ पर अवनीत को डाउन कर दिया गया। लिखना पड़ेगा यहाँ पर विवेक यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे, का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, डैनी भी यहाँ पर मुश्किल में पड़ सकते हैं क्योंकि काफी कम एचपी है। सामने प्लेयर वेट करते हुए और यहाँ पे वेनम को डाउन किया और साथ ही साथ डैनी भी डाउन हो चुके हैं, काय अकेले बचे हैं, लेकिन 1v1 की सिचुएशन है और काय यहाँ पर ये राउंड निकाल कर दे पाएंगे देखना पड़ेगा। लेकिन टीम क्योस भी यहाँ पर चाहेगी कि उनका कमबैक आता हुआ नजर आए और जिस कमबैक की उनको जरूरत है यहाँ पर उनकी तरफ से देखने को मिले। तो काय यहाँ पर होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर बात करें यहाँ पर कसाना की तो यहाँ पर स्नाइपर का इस्तेमाल करेंगे, स्नाइपर यहाँ पर मेरा ख्याल है थोड़ी मुश्किल पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या इनकी स्नाइपर काय को यहाँ पर जो है वो संभाल पाएगी क्योंकि इनके पास शॉर्ट रेंज की गन भी है और करीब आया जा रहा है, ग्लूआ लगा दी गई है और कहीं ना कहीं अटैक किया जाने वाला है काय की जानिब से। सामने स्नाइपर का इस्तेमाल किया जा रहा है और काफी ज्यादा डैमेज तो नहीं दिया जा सका, लेकिन यहाँ पर ओ एक शॉट यहाँ पर स्नाइपर का और सेकंड शॉट भी यहाँ पर काय को लगाया और कसाना यहाँ पर टीम क्योस के लिए ये राउंड निकालने में कामयाब हो चुके हैं और क्या ही जबरदस्त यहाँ पर जर्मन की तरफ से कमबैक आया है। वेनम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं हाउस ऑफ ब्लड को मुश्किल पड़ सकती है, कसाना फिर से यहाँ पर जो है स्नाइपर का इस्तेमाल करने वाले हैं, ऊपर से कवर देते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पर बाकी टीम की तो वो नीचे वाली साइड में मौजूद है, एक प्लेयर यहाँ पर डाउन कर दिए गए हैं, बात करेंगे यहाँ पर स्कैरी को भी डाउन कर दिया गया है और यहाँ पर विवेक भी डाउन हो चुके हैं, आप बचे थे तो कसाना यहाँ पर और डैनी ने उनको स्नाइपर के साथ यहाँ पर खत्म किया है। तो स्नाइपर पर से स्नाइपर भी चलता हुआ नजर आ रहे हैं, दोनों जानिब से स्नाइपर मौजूद है, डैनी दी इंजर मैन के पास भी यहाँ पर स्नाइपर मौजूद है। ओहो वेनम यहाँ पर बहुत तगड़ा अटैक कर रहे हैं, 7 किल यहाँ पर ये प्लेयर कर चुके हैं और
काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस, लेकिन यहाँ पे इनके साथ बैड पैच होगा। नीचे गिरते हुए नजर आए हैं और का यहाँ पर भी पहले से ही नीचे वाली साइड पे मौजूद थे और मेरा ख्याल है वो बचाने में कामयाब हो सकते हैं। स्नाइपर के शॉट लगाए जा रहे हैं डैनी की जानिब से और अब स्नाइपर पाकिस्तान की तरफ से भी यहाँ पर जो है डैनी हमें दिखाई देने वाले हैं। थोड़ा मुश्किल हो रहा था यहाँ पर कसाना जैसे तरीके से स्नाइपर का इस्तेमाल कर रहे थे, अब जाकर पाकिस्तान के भी यहाँ पर जो है वो मौका मिलेगा। लेकिन ये दो प्लेयर्स अभी नीचे वाली साइड पर मौजूद हैं और काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि ये राउंड कहीं ना कहीं इंडिया के हक में जा सकता है। का यहाँ पर जो है वो जंप लेकर ऊपर जा तो रहे हैं लेकिन वैनम यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। जंप लिया गया लेकिन जोन से यहाँ पर डैमेज हुए और ख़त्म हो गए। 2v4 की सिचुएशन है यहाँ पर। ओहो हो का डैनी का यहाँ पर शॉट है और का यहाँ पर बैक साइड पे दो प्लेयर्स को खत्म कर चुके हैं। भाई 2v4 में पाकिस्तान ने ये राउंड निकाल लिया है और काय एंड डैनी यहाँ पर इनका डुअल खत्म करने में कामयाब हुआ है टीम केओस के पूरे स्क्वाड को। तो लेट्स सी गाइस यहाँ पर देखते हैं 4-1 की सिचुएशन है और टीम हाउस ऑफ ब्लड जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। टीम केओस के लिए काफी ज्यादा जो है वो मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं क्योंकि अभी केओस के लिए ये जो लीड है 3 राउंड्स की वो काफी मुश्किल होने वाली है और इसको यहाँ पर जो है वो किस तरह से कवर अप करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर बराबरी का मुकाबला होता है ये जरूर देखना पड़ेगा। विवेक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं अवनीत यहाँ पर मौजूद हैं। स्कैरी यहाँ पर हमें साइड पर देखने को मिलेंगे लेकिन यहाँ पर कसान अपने स्नाइपर का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। वैनम एंड गाइस यहाँ पर काय ऊपर वाली साइड पर आते हुए नजर आए और काय ने यहाँ पर प्लेयर को डाउन कर दिया है और दो प्लेयर फिर से यहाँ पर जो है वो इंडिया के डाउन हो चुके हैं और मेरा ख्याल है कि ये राउंड कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर डाउन किए गए हैं और डैनी यहाँ पर कवर देने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक यहाँ पर रह चुके हैं, शॉट लगा रहे हैं। लेट्स सी गाइस यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ओह भाई साहब वैनम 9 किल के साथ मौजूद हैं और ये राउंड भी यहाँ पर पाकिस्तान टीम के जाने। कायदी किलिंग मशीन सामने से आ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो चार्ज बेस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक शॉट तो जरूर लगाया लेकिन डाउन नहीं कर पाए और दूसरी जानब से यहाँ पर काय बैक साइड पर तो नजर आने वाले हैं। वैनम यहाँ पर करीब आने में कोशिश करेंगे और देखना पड़ेगा। 5-1 की सिचुएशन दिखाई दे रही है। होगुता की बात करेंगे। ओ भाई ये काफ़ी तगड़ा शॉट था और होगुता की बहुत ज़्यादा HP यहाँ पर लो होती हुई नजर आई है। सामने से टक्कर तो दी जा रही है लेकिन राउंड्स की बात करेंगे तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा हैं और वैनम यहाँ पर डाउन करने में कामयाब हुए थे लेकिन काय दी किलिंग मशीन को यहाँ पर डाउन कर दिया गया। डैनी दी रेंजर मैन अकेले रह चुके हैं और टीम केओस यहाँ पर कहीं ना कहीं ये राउंड निकालने में कामयाब हो सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर टीम केओस के ये राउंड निकालने के क्योंकि 1v4 है और डैनी दी रेंजर मैन के पास सिर्फ यहाँ पर जो है वो स्नाइपर मौजूद है और स्नाइपर के साथ 4 प्लेयर्स को डाउन करना लेकिन एक प्लेयर को तो डाउन किया है यहाँ पर। एक और फिर से शॉट लगाया लेकिन इस बार आगे बढ़कर शॉट लगाएंगे और ये राउंड जाएगा टीम केओस की जानिब। 5-2 की सिचुएशन है। फिर से कम बैक करने की कोशिश की गई है यहाँ पर टीम केओस की जानिब से और यहाँ पर देखना पड़ेगा हाउस ऑफ ब्लड यहाँ पर उनको टक्कर दे पाती है क्योंकि काफ़ी मुश्किल तो हुआ है यहाँ पर टीम केओस के लिए कम बैक करना क्योंकि पाकिस्तान से हाउस ऑफ ब्लड बहुत तगड़ा गेम प्ले कर रही है और पाकिस्तान की जो है वो एक ख़तरनाक और काफ़ी ज़्यादा अटैक गेम प्ले करने वाली टीम हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इंडिया सर्वे में जाकर टीम केओस जैसी टीम को हराना का यहाँ पर शॉट लगा चुके हैं, एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं लेकिन क्या रश किया जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर रश करने का फैसला कर लिया गया है और आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले 2 प्लेयर्स यहाँ पर फिर से डाउन है और एक प्लेयर यहाँ पर डाउन हो चुके हैं डैनी डेंजर मैन और लेकिन यहां पर हाउस ऑफ ब्लड के एक और प्लेयर डाउन होंगे। 2v2 की सिचुएशन है। कायम यहां पर दिखाई दे रहे हैं और सामने से रिवाइव करने की भी कोशिश की जा रही है और देखते हैं गाइस यहाँ पर काय को भी डाउन कर दिया गया है। अब बचे हैं तो सिर्फ वैनम बचे हैं यहाँ पर। वैनम शॉट लगा रहे हैं ऊपर वाली साइड से, जो कवर दिया जा रहा था वो काफी खतरनाक था और पाकिस्तान टीम के लिए काफी मुश्किल हुई है। अब यहाँ पर जो है वो गेम बदलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि टीम केओस यहाँ पर कमबैक कर रही है और ऑलरेडी इससे पहले वाला राउंड भी यहाँ पर जीत चुकी थी और ये राउंड में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। देखते गए यहाँ पर वैनम यहाँ पर 1v3 करना पड़ेगा। बाहर निकले और सामने स्कैरी मौजूद थे यहाँ पर और शॉट लगा। 5-3 की सिचुएशन बन चुकी है। मैच काफ़ी इंटेंस हो चुका है लेकिन यहाँ पर टीम हाउस ऑफ ब्लड का कमबैक आना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैनम यहाँ पर जो है डाउन हो चुके हैं लेकिन सामने से भी एक प्लेयर डाउन किया गया है और अब 3v3 की सिचुएशन है। और डैनी यहाँ पर जोन से भी डाउन हो सकते थे लेकिन काफ़ी बचत होगी और स्नाइपर से एक प्लेयर को डाउन किया है, फिर से बचा लिया जाएगा और एक ही प्लेयर बचे हैं गाइस इस बार। टीम केओस के लास्ट प्लेयर बचे हैं, जो कमबैक आ रहा था वो अब मुश्किल होने वाला है। टीम केओस के सिर्फ कसाना बचे हैं। लास्ट टाइम इन्होंने राउंड निकाल के दिया था, देखते गाइस यहाँ पर इस बार राउंड निकाल के दे पाएंगे। ओ भाई साहब केओस स्नाइपिंग चला रहे हैं यहाँ पर और क्या ही शॉट लगा रहे हैं। देखना पड़ेगा गाइस यहाँ पर अगर इस तरीके से गेम प्ले करेंगे तो शायद पाकिस्तान के लिए ये राउंड भी निकाल पाना मुश्किल हो सकता है। आगे बढ़े हैं। ओ भाई एक और स्नाइपर से शॉट, एक और स्नाइपर से शॉट और अगर एक और शॉट लगता तो भाई ये राउंड इंडिया की जानिब जा सकता था लेकिन यहाँ पर
बट गाय ने बदला लिया है। लास्ट टाइम यहाँ पर उन्हीं उनसे खत्म हुए थे और उनको इस बार खत्म करके ये राउंड अपनी तरफ दिलवाया है और 6-3 की सिचुएशन हो चुकी है। पाकिस्तान को सिर्फ एक राउंड चाहिए यहाँ पर जीत के लिए और अगर ये वो राउंड जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो टीम हाउस ऑफ ब्लड मैच पहला जीतने में कामयाब हो जाएगी, जो कि टीम के उसके साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और डैनी दी डेंजर मैन यहाँ पर स्नाइपर का इस्तेमाल, प्लेयर को डाउन किया और यहाँ पर अपनी टीम के लिए आसानी पैदा की। सामने अब सिर्फ 3 प्लेयर्स रह चुके हैं और विवेक की बात करेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अवनीत की बात करेंगे यहाँ पर मौजूद है, कवलिया जा रहे हैं और कसान यहाँ पर स्नाइपर के साथ मौजूद है। लेकिन अब अटैक हो चुका है, स्नाइपर का एक शॉट तो गया लेकिन किल नहीं मिल पाएगा यहाँ पर डैनी को। 2 प्लेयर्स यहाँ पर रह चुके हैं और स्नाइपर से बहुत दूर से कवर दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा दूर से कवर दिया जा रहा है और एक और प्लेयर को डाउन करने की कोशिश और हेडशॉट के साथ वेनम यहाँ पर ये राउंड भी जीतेंगे और इसी के साथ पाकिस्तान ये मैच जीतता हुआ नजर आएगा। होपफुली गाइस आप लोगों को मैच पसंद आया होगा। पाकिस्तान से हाउस ऑफ ब्लड ने टीम इंडिया की केओस को हरा कर ये मैच विन कर लिया है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।